नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अपने पिता का शव नदी में होने की सूचना लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। युवक का पिता रिटायर्ड आर्मी मैन था और पिछले 2 महीनों से लापता था। युवक और पुलिस भिंड के नजदीक डिडी गांव के पास कुआरी नदी पर पहुंचे, जहां पर पहुंचकर युवक ने फोन लगाया, जिस पर उसे मुंबई के तांत्रिक ने नदी की दिशा बताई, जिसमें शव दिखा। वहीं गोरमी पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम कराया है। अब ये शव रिटायर्ड आर्मी मैन का है या नहीं, इसकी पड़ताल की जा रही है। भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम खिलौवा के रहने वाले रिटायर्ड आर्मी मैन बलवीर सिंह सिकरवार 7 दिसंबर को अपने घर भिंड से रहने वाली बहन के घर गए थे, जहां भांजे के साथ 8 दिसंबर को ग्वालियर गए और फिर वापस आ गए। इसके बाद 9 दिसंबर की शाम बहन के घर अंबेडकर नगर भिंड से बिना बताए ही कहीं चले गए, जिसके बाद उनकी कोई जानकारी ही नहीं लग रही थी। वहीं बलवीर के छोटे बेटे जितेंद्र ने 24 दिसंबर को गोरमी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के द्वारा की गई तलाशी में पुलिस को तब तक कोई जानकारी नहीं लगी है। पुलिस को द्वारा ली गई तलाशी में अब तक कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। पुलिस ने बलवीर के मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश करना चाहा तो लास्ट लोकेशन अंबेडकर नगर में मिली थी। रविवार की शाम जितेंद्र के चाचा का लड़का पारथ सिंह सिकवार, जो कि मुंबई में रहता है, उसने बताया कि मैंने एक तांत्रिक से बातचीत की थी। उसने चाचा के बारे में बताया। इसके बाद युवक ने जब तांत्रिक से बातचीत की तो उसने बताया कि आपके पिता की बॉडी एक नदी में दिख रही है। इस बात की जानकारी जितेंद्र ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस तलाश के लिए निकली। वहीं मोबाइल पर बताई दिशा में पहुंचने पर तांत्रिक ने कहा कि पुल से नीचे पूर्व दिशा की ओर नीचे नदी के पास जाओ, जिसके बाद युवक ने वीडियो कॉल पर चाचा के लड़के जितेंद्र के माध्यम से बात की। इसके बाद तांत्रिक के द्वारा बताई गई दिशा के आधार पर नदी की ओर गया। यहाँ पुलिस और जितेंद्र को एक शव दिखा। शव के कमर और गले में गमछे से पत्थर बंधे हुए मिले, जिस वजह से शव पानी में डूबा हुआ था। पुलिस ने शव को निकलवाया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस अभी शव को लेकर संदेह जाहिर कर रही है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर दफनाया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले में बारीकी से पड़ताल कर रही है। जी भैया, बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह सिकरवार। मेरे पिताजी का नाम बलवीर सिंह सिकरवार। जी, क्या घटना हुई है उनके साथ? मेरे पिताजी 7 तारीख को घर से निकले बुआ जी के यहाँ पे। जी। और वहाँ से वो कैंटीन का कार्ड रिन्यू करवाने के लिए ग्वालियर गए। जी। ग्वालियर से लौट के आ गए और 9 तारीख को 4 बजे उनका कॉल डिटेल का लास्ट डिटेल आया था 4 बजे। जी। और फिर उसके बाद कोई कॉल नहीं हुआ, तो वहाँ से फिर भिंड से अम्बेडकर नगर से बुआ जी के यहाँ से फिर उनका सुराग कुछ नहीं मिला। फिर हमने थाना गोरमी में जाके 24 तारीख को हमने रिपोर्ट दर्ज कराई गुमशुदा की। जी। और फिर उस समय हमने कॉल डिटेल निकलवाया, बैंक स्टेटमेंट में वहाँ का निकलवाया तो 23.5 लाख का ट्रांजेक्शन मिला। डेड बॉडी मिली है, क्या घटना है? जितेंद्र सिकरवार एक लड़का है गलहुआ का। जी। उनके पिताजी बलबीर सिंह सिकरवार थे, उम्र करीब 62 साल की उम्र थी, रिटायरमेंट थी। उनको गुम होने की सूचना दिखाई दी कि ऐसे से वहाँ भंड में रहते थे। उसमें कौन सा नाम बताया था, बंद करो, जो अम्बेडकर नगर में भिंड में रहते थे वो कहीं चले गए। ये दिसंबर की बात है। उस पर ऐसे गुम इंसान काम किया गया था। आज इन्होंने मुझे सूचना दी कि ऐसे ऐसे मेरे भतीजे ने मुझे सूचना दी है मुंबई से कि हमारे पिताजी की लाश कुआरी नदी में डली। तो उस सूचना पर से मैं भी आया था, तो उनको एक लाश मिली थी पानी के अंदर, जिसमें खंडा बंधे हुए थे। वो काफ़ी पुरानी लग रही थी और उसकी उम्र करीब 40 से 60 वर्ष के बीच हो सकती है। हालांकि उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। अज्ञात पुरुष के संबंध में भी मरक काम किया गया देहात में। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।